जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और रोज रात्रि 9 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। और सुबह 9:30 बजे हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की कर रहे हैं, पीजीटी की है ना, टीजीटी या फिर एचपी टेट या फिर एपी सेट या फिर यूपी टेट आरपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उनके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो आपका चैनल है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस है हिंदी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं जो साथी है ना, हिंदी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 9098609291, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर से आप सभी को जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज का ये सेशन स्टार्ट हो इससे पहले सभी के लिए जय हिंद है ना, सभी के लिए गुड इवनिंग। और आपका जो पहला प्रश्न है कि भरत मुनि ने कितने काव्य दोष बताए हैं। भरत मुनि दोस्तों ये रस संप्रदाय के माने जाते हैं, भरत मुनि है ना, और भरत मुनि ने कितने काव्य दोष बताए हैं ये बताना है हमें, प्रश्न क्रमांक 331 का। और सभी लोगों को पता है ना, अधिकांश लोग जानते हैं कि जो भरत मुनि थे इन्होंने जो बताए हैं वो कितने बताए, 10 दोष बताए हैं काव्य के, और 10 ही क्या बताए हैं, गुण बताए हैं। अब याद रख लेना, 10 दोष और 10 गुण बताए हैं किसने, भरत मुनि ने, ठीक है। ये चीज सभी लोग याद रखेंगे। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि है ना। आशु गोंडवाल जी ये हमारे नए ज्वाइन मेंबर हैं है ना, आशु गोंडवाल जी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने ज्वाइन किया है चैनल के लिए, आप भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। छंद शास्त्र के आदि आचार्य हैं तो कौन है, पिंगल, बामन, भरत मुनि या फिर भामह। छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 332 का उत्तर हमें लिखना है दोस्तों। और आपने एक रचना पढ़ी होगी दोस्तों छंद माला, कौन सी, छंद माला। और छंदों की माला हमें कहाँ पहननी है, केस में पहननी है, कहाँ पर, केस में छंदों की माला पहननी है, इसलिए केशवदास की रचना है छंद माला। लेकिन आपसे कभी छंद शास्त्र पूछा जाए कि छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन है, तो वो माने जाते हैं पिंगल, पिंगल माने जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। रीति संप्रदाय के बामन है ना, और अलंकार संप्रदाय के भामह, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि जी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम बताना है, मम्मट ने किया, भामह ने किया, बामन या फिर हेमचंद्र ने किया है। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो चीजें हैं सोनू सिंह जी की, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो कौन है, भामह है अलंकार संप्रदाय की, लेकिन जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है वो किया है बामन ने, किसने किया है, बामन ने किया है, ये चीज याद रखनी है। यहां कंफ्यूज आप हो जाते हो और सीधे सीधे आपको पता होता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो भामह हैं, इसलिए अलंकारों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया होगा वो भी भामह ने किया होगा, लेकिन ये भामह यहां पर आपका सही नहीं है, उत्तर होगा बामन है ना, सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था बामन ने है ना, और भामह अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का आधार क्या है, रस सूत्र व्याख्या का आधार बताना है, सांख्य दर्शन है, शैव दर्शन है, न्याय दर्शन है या फिर मीमांसा दर्शन है। आपको पता है दोस्तों कि न्याय दर्शन के जो कौन है, गौतमी माने जाते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतमी हैं। मीमांसा दर्शन मैंने आपको याद करवाई थी कि मेरी मंशा है कि मुझे क्या मिल जाए, मनी मिल जाए,
तो मीमांसा दर्शन के कौन है, जैमिनी माने जाते हैं। और आपको अभिनव गुप्त की जो रस सूत्र व्याख्या का आधार माना जाता है वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है स्याव दर्शन। स्याव दर्शन यानी कि आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर सी, नंबर सा नंबर, ठीक है, विकल्प नंबर सा। अगला है आपका, भरत मुनि ने कितने स्थाई भावों का उल्लेख किया है दोस्तों, उल्लेख बताना है दोस्तों, चार विकल्प हैं। और आंशु गोडवाल जी ने दोस्तों डायमंड प्लान खरीदा है, डायमंड प्लान यानी कि 299 रुपये करके इन्होंने डायमंड प्लान खरीद लिया और ये मेंबर बनी हैं, ठीक है, चैनल की ज्वाइंट मेंबर हैं, बहुत ही बढ़िया। और भरत मुनि ने कितने स्थाई भावों का उल्लेख किया है दोस्तों, जब आपको पता है कि जो रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 बताई है तो स्थाई भाव 9 तो नहीं बताएंगे, कितने बताएंगे, 8 ही बताएंगे, तो 8 स्थाई भावों की इन्होंने चर्चा की है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आपको ध्वन्यालोक किसकी रचना है दोस्तों, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की है, दंडी की, मम्मट की या फिर जयदेव की है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ध्वन्या से आ गया ध्वनि, और ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अच्छा सा क्या बोल दे, अच्छी सी कोई ध्वनि निकाल दे, अच्छी सी ध्वनि में कोई गाना सुन ले, है ना, कोई संगीत अच्छी ध्वनि में आ जाए तो हमें क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है, तो आनंद वर्धन, है ना, आनंद वर्धन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। अगला है, रसको काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है, रसको काव्य की आत्मा बताना है, भामह ने घोषित किया, राजशेखर ने, रुद्रट ने या फिर कुंतक ने, किसने घोषित किया, यानी कि 337 का उत्तर हमें बताना है यश जी, कि रस को काव्य की आत्मा मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, है ना। रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है तो वो किया है राजशेखर, यानी कि जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुरैशी जी, बी नंबर सही हो जाएगा, राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है, है ना, बी नंबर सही है। नेक्स्ट है, अनुकरण सिद्धांत की प्रवर्तक कौन है दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण इलियट है, कार्वे हैं, प्लेटो या फिर अरस्तु, ये चार विकल्प हैं। और अनुकरण सिद्धांत के जो आपके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 338 यानी कि वो माने जाते हैं प्लेटो, कौन माने जाते हैं, प्लेटो, है ना, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटो अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम, दोस्तों हम पढ़ते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, वल्लभाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, अब वल्लभाचार्य के जो गुरु थे वो कौन थे, वो कौन थे, कौन थे, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी ये वल्लभाचार्य के गुरु माने जाते हैं, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, सूरदास जी के गुरु हैं, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन सा, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपने बताया था कि सर नींबू देत देत थक गए हैं, हम तो नींबू देत देत थक गए हैं पड़ोसी को, ऐसे बोल देना, कल बोल देना अपने घर में, हम तो नींबू देत देत थक गए हैं अपने पड़ोसी को, तो निम्बार का चार, देत देत द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत, देत देत से द्वैता द्वैत, और ये निम्बार्क जी का संप्रदाय माना जाता है, ये आपने याद किया था, है ना। नेक्स्ट है आपका, हरिश्चंद पत्रिका का पहला क्या नाम था, हरिश्चंद पत्रिका जो भारतेंदु जी ने निकाली थी दोस्तों, हरिश्चंद पत्रिका, इसका पहले नाम क्या था, कभी बचन सुधा, कालचक्र या फिर हरिश्चंद मैगजीन या भारत जीवन। और आपको पता है कि हरिश्चंद जो पत्रिका है इसका पहले नाम था क्या था, हरिश्चंद मैगजीन, हरिश्चंद मैगजीन यानी कि बा नंबर। दोस्तों मैं भी बहुत, ये जो निम्बार का चार है, निम्बार का चार वाला, ये हर बार भूल जाता था, कई बार मैं ट्रिक बनाया, अलग अलग प्रकार से ट्रिक बनाई, लेकिन हर बार वो ट्रिक भी भूल जाता था, लेकिन अब की बार ऐसी ट्रिक निकली है, ऐसी ट्रिक निकली कि आप भी नहीं भूलोगे और मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। मैं कई बार याद किए उसको और कई बार ट्रिक भी निकाली, अलग अलग प्रकार से याद की, लेकिन हर बार भूल जाते थे, लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया ट्रिक निकाली कि नींबू देत देत थक जाते हैं, है ना। और हरिश्चंद जो पत्रिका है इसका हरिश्चंद मैगजीन पहले नाम था, बी नंबर, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो कौन सी है, विपाशा है, भाषा है, आजकल है या फिर अक्षरा है, ये चार बताना है,
और केंद्रीय हिंदी निदेशालय कुरैशी जी, ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो कौन सी है, तो वो है भाषा, भाषा पत्रिका जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ये पत्रिका है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सीमा कुमारी जी, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है, अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों, ये तो पूछा भी गया है ना, लेकिन एक बार पूछा गया था रंगभूमि, है ना, रंगभूमि का पात्र सूरदास था, प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का, लेकिन यहाँ पर अमृतलाल लांगर का पूछ लिया गया। अब अमृतलाल लांगर के दोस्तों अमृत और विष भी है, अग्नि गर्भा उपन्यास है, बिखरे तिनके है, खंजन नयन है ना, और दोस्तों आपको पता है कि खंजन नयन में सूरदास की जीवन से संबंधित है खंजन नयन, और इसका जो पात्र है वो कौन है, सूरदास है, सूरदास यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है खुशी शर्मा जी, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य का, फिर अपन शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है, किस साहित्य का विवेचन किया, यानी कि 343 का उत्तर नाथ साहित्य का किया है ना, जैन साहित्य का, सिद्ध जैन साहित्य या लौकिक साहित्य, संधि काल के अंतर्गत, यानी कि 343 का उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जो इन्होंने दोस्तों माना था संधि काल, जो प्रारंभिक इन्होंने काल माना था, और इन्होंने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया था ये चीज हमें बताना है। और हाँ, मानस का हंस तुलसी से संबंधित है, वेरी गुड खुशबू सोनी जी, ये इन्होंने सिद्ध जैन साहित्य, सिद्ध जैन साहित्य का विवेचन इन्होंने किया है संधि काल के अंतर्गत, और तीन नंबर यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है इसमें, सी नंबर। ठीक है सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और जैन साहित्य में आपको पता है दोस्तों एक रचना आती है कौन सी, श्राप का चार, श्राप का चार ये जैन साहित्य से संबंधित है, और श्राप का चार ये 933 इसका रचना काल है, और देवसेन इसके रचनाकार हैं, और हिंदी की प्रथम रचना भी यही मानी जाती है श्राप का चार। ठीक है और सिद्ध साहित्य में आपको पता है कि सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, दोहा कोश उनकी रचना है, और सरहपा को राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है ये चीज आपको बतानी है, तो सरहपा को, अब्दुल रहमान को, गंग कवि या फिर पुष्पदंत को, तो 344 का उत्तर हमें लिखना है यहाँ पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, और वो माना है दोस्तों किसने, किसे माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैं आपको बता दूं कि जो रामकुमार वर्मा है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना हिंदी का प्रथम कवि है ना, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना किसको, अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान, इनकी एक रचना है संदेश रासक है ना, हम बोलते हैं इसको कैसे याद रखते हैं दोस्तों, मैंने आपको याद करवाया था कि संदेश भेजना अब दूर नहीं है, अब दूर नहीं है संदेश भेजना, और दोस्तों अब तो लोग हजारों संदेश भेज देते हैं, एक मिनट में हजारों संदेश भेज देते हैं है ना, संदेश भेजना दूर नहीं है, तो इसके लेखक अब्दुल रहमान, और दोस्तों एक मिनट में हजारों संदेश भेज देते हैं, तो हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना, तो इसको ऐसे रिलेट करके ऐसे पहुंच जाओ हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है निकिता तनवर जी, अगला है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है तो क्या है, वज्र है, अग्नि है, ज्ञान या फिर चित्र है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 345, और 345 में आपको पता है दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर कर किया करें, बहुत सारे लोग देखते हैं लाइक बहुत कम होता है ना, और सिद्धों की साधना में जो है शून्य का पूरक तत्व क्या है, तो वो है ज्ञान, क्या है, ज्ञान, यानी कि तीन नंबर आपका सही होगा, शून्य का पूरक तत्व माना जाता है ज्ञान, सी नंबर सही है। ठीक है सहस्रा जी, सीमा जी, अगला आपको बताना है कि विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है, किस भाषा में की है विद्यापति, और आपको इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को है ना, कविता सिंह जी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है और दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी कौन कौन सी रचना है, हम कई बार आपको बताते हैं पद है ना, लता और पताका, ये तो अधिकांश लोगों को सभी को पता है। ठीक है लेकिन आपको याद रख लेना है कि जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है, लेकिन जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है ये दोनों ही रचनाएं जो है किसमें हैं, अभट्ट में है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभट्ट, याद रख लेना, इनकी
जो है पदावली काय में है, मैथिली भाषा में है, लेकिन कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये अभट्ट भाषा में है, ठीक है, विद्यापति जी की। मैथिल कोकल इन्हें कहा जाता, मैथिल कोकिल विद्यापति है ना। अगला है संदेश राशक की रचना विधा क्या है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना, लेकिन इसका जो रचना विधा है वो कौन सी है, शिखंड काव्य है, महाकाव्य है, आख्यानक गीति है या फिर गीति काव्य है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो संदेश राशक की रचना विधा है वो क्या है, खंड काव्य, खंड काव्य है, ठीक है, याद रख लेना। और दोस्तों आप हजारों संदेश कई खंडों में भेजते हो, आप हजारों संदेश कई खंडों में भेजते हो, हजारों से बनेगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना और इनकी रचना है संदेश राशक है ना। और संदेश राशक दोस्तों आपको पता है ये खंड काव्य है, खंड काव्य, तो आप याद रख लेना कि जो हजारों संदेश हैं अब हम कई खंड में भेजते हैं तो संदेश राशक का काव्य रूप खंड काव्य हो जाएगा है ना, अब्दुल रहमान की रचना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो इतनी चीजें आपको यहीं से और याद हो जाती हैं, बिल्कुल सरल रूप में याद हो जाती है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया, दोस्तों मिश्र बंधु विनोद में बताना है कितने कालों में विभाजित किया गया, तो मिश्र बंधु विनोद यानी कि 348 का आंसर, और 348 हाँ, अभिनय जयदेव कुलशेखर विद्यापति को ही कहा जाता है, वेरी गुड खुरेशी जी। और मिश्र बंधु विनोद जो है ये कितने भागों में है दोस्तों, पांच भागों में प्रकाशित की गई, कौन सी, मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर संतराम जी, ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है अगला जो आपका क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना थी, लगभग 5000 कवियों का उसमें उल्लेख मिलता है, जीवन परिचय मिलता है ना। और शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को कहा है तो क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इन्होंने दोस्तों भक्ति काल को दो भागों में बांट, उत्तर मध्यकाल को दो भागों में बांटा, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी कि दोस्तों आपका रीतिकाल और पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल है ना। तो पूर्व मध्यकाल को जो कहा वो क्या कहा, भक्तिकाल कहा, भक्तिकाल यानी कि जो एक नंबर है वो सही हो जाता है, ठीक है, भक्तिकाल यानी कि दोस्तों आपका जो 1375 से 1700 का काल था वो भक्तिकाल था है ना, 1700 के बाद रीतिकाल आपका आया था है ना, तो याद रख लेना भक्तिकाल यानी कि दोस्तों संत काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा ये सभी इससे संबंधित है, भक्तिकाल से संबंधित। और भक्तिकाल की मैंने टॉप 20 रचनाएं की ट्रिकी वीडियो आप तक प्रेषित किया है, वो भी आपको देखना है भक्तिकाल वाला, ठीक है, भक्तिकाल का मैंने किया है 20 रचनाएं, आदिकाल की 20 रचनाओं वाला हो गया है ना, रीतिकाल की टॉप 20 रचनाएं हो गई हैं, और भारतेंदु युग की भी टॉप 20 रचनाएं आज हो गई। आज हम द्विवेदी युग की टॉप 20 रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवार सिंह, डॉक्टर विनय मोहन या इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बताना है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है, डॉक्टर नामवार सिंह है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो अधिकांश लोगों को पता है कि इतिहास का दर्शन हम कैसे करेंगे, लोचन से करेंगे, लोचन से, तो लोचन से करेंगे तो बिलोचन, बिलोचन है ना, डॉक्टर नलिन बिलोचन, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये नंबर। नेक्स्ट आपको बताना शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है, परंपरा है, प्रवृत्ति है, प्रमुख ग्रंथ है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और जो भी साथी विवेक शंकर जी की बुक खरीदना चाहते हैं हिंदी साहित्य की, वो विवेक शंकर की बुक जरूर खरीदें, हिंदी साहित्य की बढ़िया बुक है, कुछ लोगों ने खरीद ली है, उनने हमें भेजे भी हैं प्रश्न कि सर अच्छी लगी बुक है ना, उनने कुछ फोटो खींच के भी भेजे हैं कि सर इस प्रकार की बुक है और बड़ी अच्छी बुक है ना। शुक्ल जी के कालों का नामकरण का आधार जो थी वो क्या थी, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार मानकर वीर काव्य जो वीर गाथा काल नाम दिया था वो 12 रचनाओं को मानकर किया था, लेकिन इन्होंने सभी चाहे वो रीतिकाल हो, भक्तिकाल हो, चाहे आपका आदिकाल हो, सभी को की जो है प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया था, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है दोस्तों, 352 का उत्तर बताना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आज के, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल की जब भी बात होती है तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं
कि आदिकाल को विभिन्न प्रकार से अलग अलग नाम से अभिहित किया, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे विवादित जो काल रहा वो कौन सा रहा, तो वो आदिकाल ही रहा है, सबसे विवादित काल रहा, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, ठीक है। लेकिन भक्ति काल सबसे कम रहा दोस्तों, भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम दिया अधिकांश विद्वानों ने, और राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर नेक्स्ट है, श्रापकाचार की रचना कब हुई। इस श्रापकाचार मैंने आपको बता भी दी है कि श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, ठीक है, प्रथम रचना है, 933 इसका रचना काल है, ठीक है, देवसेन की ये रचना है, ठीक है। तो ये रचना दोस्तों आप कभी कभी आपके मन में आता होगा कि श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं सरहपा, है ना, सरहपा हिंदी के प्रथम माने जाते हैं, श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको कभी कभी डाउट होने लगता होगा कि ये कैसा सिस्टम है यार, है ना, लेकिन ये आपको सोचना है कि इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया है, इन्होंने हिंदी की रचना नहीं की सबसे पहले, है ना, इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ठीक है। लेकिन जो देवसेन साहब हैं, इन्होंने हिंदी की रचना ही लिख दी सबसे पहले, ठीक है, देवसेन ने हिंदी की रचना लिख दी और सरहपा ने हिंदी का प्रयोग किया है, इन्होंने कोई रचना नहीं लिखी हिंदी में सर्वप्रथम, है ना, इसलिए श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना और सरहपा हिंदी के प्रथम जो है लेखक कवि माने जाते हैं, ठीक है। और श्रापकाचार 933 ईस्वी इसका रचना काल है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आलाखंड की रचयिता कौन है दोस्तों, आलाखंड, हाँ, उन्होंने संधिकाल भी नाम दिया है, इस चरण काल के पूर्व के काल को उन्होंने नाम संधिकाल नाम दिया, 750 से 1000 के काल को संधिकाल नाम दिया, और 1000 के बाद का जो है, ठीक है। और आपको बताना है आलाखंड की रचयिता कौन है, चंदबरदाई, जगनेक, स्वयंभू या फिर शिवानंद जी, आलाखंड की रचयिता, आलाखंड जिसे कि दोस्तों परमाल रासो भी कहा जाता है, मैंने आपको याद करवाया था कि परमाल यानी कि दूसरों का माल, दूसरों की कोई सामग्री अगर कोई चुराता है तो वो जगता है, चोर क्या करते हैं, दूसरों की सामग्री चुराते हैं, तो रात में जगते हैं, तो जगते से आपका क्या बनेगा, जगते हैं तो जगनेक, जगनेक पड़ेगा। और आला दोस्तों आपको पता होगा कि गांव गांव में आला पढ़ते हैं, आला पढ़ते हैं रात रात जगकर, रात रात जगकर लोग आला पढ़ते हैं, तो जगकर पढ़ते हैं तो जगनेक, ठीक है, याद रख लेना। और इस जग में आला का बहुत प्रताप है दोस्तों, आला का, ठीक है। अगला आपको बताना है भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, भविष्यत कहा अब्दुल रहमान, रहीम, धनपाल या फिर स्वयंभू। भविष्यत कहा ये हमने कल ही रचना कल भी पढ़ी थी कि भविष्य में हमें धन की चिंता होती है, भविष्य के लिए हम धन का संग्रह करते हैं, तो भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है, धनपाल, धनपाल हैं, अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य भी माने जाते हैं, ठीक है, है ना, हेमचंद्र माने जाते हैं अपभ्रंश के, हेमचंद्र व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, यानी 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है मित्र बंधु 3 भाई में से नहीं है तो कौन नहीं है। दोस्तों मित्र बंधु ये 3 भाई थे, और तीनों जो भाई थे मिश्र बंधु नाम से लिखते थे, है ना, मिश्र बंधु विनोद इन्होंने ये रचना की है, 5 खंडों में प्रकाशित हुई मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं है ये आपको बताना है, श्याम बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र नहीं है, सुखदेव बिहारी मिश्र नहीं है या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। तो ये 4 में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, मधुराज जी उत्तर हो जाएगा आपका 356 में कि कौन से नहीं है, कृष्ण नहीं है, है ना, श्याम, गणेश, सुखदेव, मैंने आपको याद करवाया था श्याम, गणेश, सुखदेव, सुखदेव, ये आपकी एक ट्रिक है मिश्र बंधुओं की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्याम, गणेश, सुखदेव, ऐसे याद कर लेना है, ठीक है, श्याम, गणेश, सुखदेव ये मिश्र बंधु हैं, ठीक है, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बीज बोए हैं अहिंसा के बीज बोए हैं किसने, महावीर भगवान ने, अहिंसा के बीज बोए हैं और अहिंसा का हम पालन करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की हिंसा नहीं करते, इस पृथ्वी पर आए हुए प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, चाहे वो चींटी हो, चाहे एक छोटा सा कोई जीव जंतु हो, सबको जीने का अधिकार है, है ना, और यही महावीर स्वामी ने बताई कि आप अहिंसा का पालन करो, जिस प्रकार से आप जीना चाहते हो ऐसे ही सारे जो भी हैं क्या हैं, सारे लोग क्या करते हैं, जीना चाहते हैं। गुरु शिष्य की मैंने वीडियो नहीं लाई क्या, अभी ला देंगे, है ना, बीज वपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी 3 नंबर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आपका सही है। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है आदिकाल का मेघदूत, और मेघदूत आपको पता है दोस्तों ये मेघदूत जो है कालिदास जी की रचना है मेघदूत,
है ना, मेघों को दूत बनाकर भेजते हैं, मेघों को दूत बनाकर भेजते हैं, संदेशा भेजते हैं, है ना। और दोस्तों ये आदिकाल का मेघदूत जो रचना कही जाती है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वो रचना कही जाती है कौन सी, संदेश रासक। संदेश रासक ये आदिकाल की मेघदूत कही जाती है, इसको सभी लोग याद रख लेना, संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की रचना है, है ना। और दोस्तों अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और संदेश रासक ये खंडकाव्य है, और आदिकाल का मेघदूत भी इसे कहा जाता है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है, काव्य रूढ़ियों रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए बताना है कि कौन सा जो है ग्रंथ उपयोगी है, राहुल बेल है, वर्ण रत्नाकर है, बसंत बिलास है, या फिर प्राकृत पेंगलम है। तो प्रश्न क्रमांक 359 में से हमें चयन करना है। सुबह अपना 9:30 बजे टिरकी वीडियो होता है, कल आने वाला है द्विवेदी युग की टॉप 25 रचनाएं, टॉप 25 रचनाएं, यानी कि टॉप टॉप आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। तो टॉप 25 रचनाएं हैं, उसके बाद आपको पंक्तियां भी याद करवाएंगे, इसी प्रकार से भारतेंदु युग की पंक्तियां, है ना, भक्ति काल की पंक्तियां, रीति काल की पंक्तियां, अलग अलग पंक्तियां भी आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करवाएंगे, है ना। और आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपरा को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ है, तो प्राकृत पेंगलम है, और ये प्राकृत पेंगलम पता है किसकी रचना है, ये लक्ष्मीधर की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो याद रख लेना प्राकृत पेंगलम, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, ये आपको कमेंट में लिखना है, ये आपका आज का चैलेंज प्रश्न है। और सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करना है, और जो भी साथी चैनल के ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य वालों के लिए दोस्तों ये सेल्फ स्टडी जो क्लासेस है, इससे बढ़कर कोई चैनल दे नहीं सकता है हिंदी साहित्य वालों के लिए। बहुत ही उपयोगी चीज़ें, हर एक चीज़ ट्रिक से याद करो, है ना, विस्तृत अध्ययन करो, विस्तृत अध्ययन भी आप करो, और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी लो। आपको पता होगा जितने भी यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, जो वीडियो चलता है जिसे सब लोग देखते हैं वो चीज़ बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि आपके लिए क्या उपयोगी है, है ना, वो भी बनाता हूँ। आपको पता है दोस्तों जब मैं विस्तृत अध्ययन पढ़ाता था शाम की 4 बजे क्लास, है ना, लगभग 25 से 30 या 40 लोग देखते थे, तब भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे उपकार की बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, यानी कि हिंदी साहित्य में एक एक चीज़ आपकी चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को ज़रा टटोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, 54 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, 40 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है पूरी हिंदी साहित्य की, तो आप पढ़ें और वीडियो को लाइक करें। और ये हिंदी ट्रिक वाली वीडियो भी आपकी बनी है, ट्रिकी वीडियो भी बनी है, इसकी प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य ट्रिक्स, तो वो वाली बनी है। और रात में जो अपनी ये टेस्ट सीरीज बनी, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो सभी लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका ट्रिकी वीडियो मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे ट्रिक निकालता हूँ, अलग अलग प्रकार से कोई भी ट्रिक निकालने में एक समय लगता है, है ना, समय लगता है, और समय के बाद जब ट्रिक निकलती है फिर वीडियो आप तक प्रेषित किया जाता है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।